देश पूरे एशिया को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने की ताकत रखते हैं। कभी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए ये देश आज उन्हें गुलाम बनाने वाले देशों से भी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। आज दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में सबसे ज्यादा संख्या एशियाई देशों की है, लेकिन एशिया का सबसे ताकतवर देश कौन सा है? आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं और इस देश में एक ऐसे देश का नाम भी शामिल है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नंबर 10, एशिया की सबसे ताकतवर देशों की बात हो और जापान का नाम ना आए तो ये तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये देश टेक्नोलॉजी के साथ साथ पानी सेना पर भी काफी खर्च करता है। जापान की सेना में 1,00,000 से भी ज्यादा एक्टिव मिलिट्री पर्सनल मौजूद हैं। जापानीज ग्राउंड फोर्स के पास 500 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स मौजूद हैं। इसके अलावा इसके पास 300 से ज्यादा बेहद एडवांस मल्टी रोल जेट्स हैं, जो कि जापान की बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस हैं। बात करें नेवी की तो जापानीज नेवी के पास 4 हेलीकॉप्टर कैरियर्स और 36 डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं। इसके अलावा 4 फ्रिगेट्स और 6 कॉर्वेट के साथ 23 सबमरीन भी मौजूद हैं। जापान की करंट GDP 4.1 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। नंबर 9, इस लिस्ट में अगला नंबर है तुर्की का। तुर्की के पास 35,00,000 से भी ज्यादा एक्टिव सोल्जर्स हैं, जिसमें तुर्की ग्राउंड फोर्स में 2,60,200 सैनिक, तुर्की नौसेना बलों में 45,000 सैनिक और तुर्की एयरफोर्स में 50,000 सैनिक शामिल हैं। इसकी सेना के पास 2,200 से भी ज्यादा मैन बैटल टैंक हैं। इसके साथ ही तुर्की सेना के पास 250 के करीब मल्टी रोल जेट्स मौजूद हैं। तो वहीं टर्किश नेवी के पास एक ड्रोन कैरियर और 16 फ्रिग्स हैं। इसके अलावा इसके पास 12 सबमरीन्स हैं। बात करें यहाँ की करंट GDP की तो यहाँ की करंट नॉमिनल GDP 1.1 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। नंबर 8, इंडोनेशिया। इसके पास 4,00,000 से भी ज्यादा एक्टिव सोल्जर्स हैं। इसके साथ ही इसके पास 300 से ज्यादा मैन ग्राउंड बैटल टैंक भी हैं। इसके अलावा इसके पास 100 के करीब मल्टी रोल जेट्स हैं। बात करें इंडोनेशिया की करंट नॉमिनल GDP की तो इसकी GDP 1.5 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू के करीब है। नंबर 7, इस नंबर पर जिस देश का नाम है उसके बारे में जानकर आपको हैरानी जरूर होगी, क्योंकि सभी जानते हैं कि ये देश कुछ समय पहले बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गया था। जी हाँ, आप सही पकड़े हैं, इस देश का नाम है पाकिस्तान। भले ही इनके पास खाने के लिए रोटी ना हो, लेकिन हथियारों की कोई कमी नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान की सेना दुनिया की 9वीं सबसे ताकतवर सेना है। पाकिस्तान के पास कुल 65,00,000 एक्टिव सैनिक हैं, वहीं इसके पास 3800 से ज्यादा मैन बैटल टैंक हैं। इतना ही नहीं, इसके पास 500 से ज्यादा मल्टी रोल जेट्स भी मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास 9 से ज्यादा फ्रिग्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के पास 7 कॉर्बेट और 10 सबमरीन्स भी मौजूद हैं, जिसमें कुछ मिनी सबमरीन्स भी शामिल हैं। पाकिस्तान की सेना की सबसे बड़ी ताकत उसके पास मौजूद न्यूक्लियर हथियार है। पाकिस्तान के पास 170 से भी ज्यादा न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं। पाकिस्तान की GDP लगभग 338.24 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और इसका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान अपने देश की सेना पर खर्च करता है। नंबर 6, साउथ कोरिया। वैसे तो अपने बेहतरीन म्यूजिक और कल्चर के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, लेकिन जब बात ताकत की आती है तो उसमें भी ये पीछे नहीं है। एशिया के सभी देशों में ये चौथा सबसे ताकतवर देश है। साउथ कोरियन आर्मी के पास 2,300 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स मौजूद हैं। इसके अलावा इसकी सेना के पास 530 से ज्यादा मल्टी रोल जेट्स भी हैं। इतना ही नहीं, साउथ कोरियन नेवी के पास 2 हेलीकॉप्टर कोरियर्स और 13 डिस्ट्रॉयर शिप्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा साउथ कोरिया के पास 18 फ्रिगेट्स और 7 कॉर्वेट्स भी मौजूद हैं। बात करें नेवी की तो इसके पास 22 सबमरीन्स भी मौजूद हैं। साउथ कोरिया GDP के मामले में भी कई बड़े देशों को टक्कर देता है। साउथ कोरिया की करंट नॉमिनल GDP 1.7 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू से ज्यादा की है। नंबर 5, इजराइल। इजरायली आर्म फोर्सेस की 3 ब्रांच यानी कि आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के पास 2,00,000 से ज्यादा एक्टिव ड्यूटी पर्सनल हैं। इसके अलावा इजरायल के पास 4,65,000 रिजर्व सैनिक हैं। इसके अलावा इजरायल के पास 35,000 अर्ध सैनिक बल है। उतना ही नहीं, इजरायली ग्राउंड फोर्सेस के पास 1,300 से भी ज्यादा तादाद में मैन बैटल टैंक्स हैं। इसराइल के पास 612 विमान हैं। इसराइल के पास 241 लड़ाकू विमान हैं। इसके साथ ही इसराइल के पास 146 हेलीकॉप्टर्स भी हैं। बात करें दूसरे हथियारों की तो इसराइल के पास फाइटर, इंटरसेप्टर और बॉम्बर जैसे करीबन 280 मल्टी रोल जेट्स भी मौजूद हैं। अब बात करते हैं इसराइल की नेवल पावर की तो इसराइली नेवी में 7 मिसाइल गाइडेड कॉर्वेट्स हैं। इसके अलावा 5 सबमरीन्स भी मौजूद हैं। बात करें इसराइल की GDP की तो इसराइल की GDP अभी लगभग 530 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। नंबर 4, ईरान। आर्मी की बात करें तो ईरान की सेना में 6,10,000 सैनिक हैं। वहीं रिजर्व फोर्स की बात करें तो ईरान के पास 3,50,000 रिजर्व सैनिक हैं।
इसके साथ ही ईरान के पास 2,20,000 अर्धसैनिक बल है। ईरान का रक्षा बजट करीब 10 अरब डॉलर है। ईरान के पास 4,000 से भी ज्यादा मैन एक्टिव बैटल टैंक्स हैं। इसके अलावा उसके पास 200 से ज्यादा मल्टी रोल जेट्स भी मौजूद हैं। ईरान की आर्मी की सबसे बड़ी ताकत है उसके पास मौजूद मिसाइल और ड्रोन। इसके अलावा ईरान की नेवी भी काफी ताकतवर है, इतना कि नेवी के पास 7 फ्रिगेट्स मौजूद हैं। इसके अलावा 3 कॉर्बेट और 19 सबमरीन्स भी हैं, इनमें कुछ मिजट यानी मिनी सबमरीन्स भी हैं। बात करें ईरान की जीडीपी की, तो ईरान की जीडीपी 380 बिलियन के आसपास है और ईरान हथियारों को एक्सपोर्ट करके हर साल अच्छी कमाई भी कर लेता है। नंबर 3 और नंबर 3 पर है हमारा प्यारा देश, जी हाँ भारत। ग्लोबल फायर पावर के द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार भारत की सेना दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है। भारत के पास 14.55 लाख सक्रिय सैनिक, 11.55 रिजर्व सैनिक है और 25,27,000 पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं। इसके साथ ही भारत के पास 4,614 टैंक मौजूद है। भारत के पास 606 फाइटर्स हैं, इनमें 130 अटैक फाइटर जेट हैं, 264 ट्रांसपोर्ट विमान हैं, 351 ट्रेनर्स हैं, 70 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट हैं, 6 टैंकर्स फ्लीट, 869 हेलीकॉप्टर्स हैं, 40 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। थल सेना के पास 4,614 टैंक्स हैं, 1,50,000 से ज्यादा गाड़ियां हैं, 140 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी हैं, 3,243 टॉड आर्टिलरी है, 702 MLRS रॉकेट आर्टिलरी है। भारतीय नौसेना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, 12 डिस्ट्रॉयर्स हैं, 12 फ्रिगेट हैं, 18 कॉर्वेट हैं, 18 सबमरीन, 137 पेट्रोल वेसल हैं। भारत भी एक न्यूक्लियर पावर देश है जिनके पास 160 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं। बात करें जीडीपी की, तो भारत की जीडीपी 3.9 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू के आसपास है। नंबर 2, जब बात एशिया के सबसे ताकतवर देश की आती है तो चीन को कैसे भूला जा सकता है। आखिर वो इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो है, इसके पास 31.70 लाख मिलिट्री पावर है, जिसमें से एक्टिव पर्सनल 20.3 लाख से ज्यादा है और पैरामिलिट्री में 6.25 लाख, रिजर्व पर्सनल 5.10 लाख, वायुसेना में 4 लाख, थल सेना में 25.45 लाख और नौसेना में 3.80 लाख सैनिक मौजूद हैं। इसके अलावा चीन के पास 1,207 फाइटर्स हैं, इनमें 371 अटैक फाइटर जेट हैं, 289 ट्रांसपोर्ट विमान हैं, 402 ट्रेनर्स हैं, 112 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट हैं, 10 टैंकर्स फ्लीट हैं, 913 हेलीकॉप्टर्स हैं, 281 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। थल सेना के पास 5,000 टैंक्स हैं, 1.74 लाख से ज्यादा गाड़ियां हैं, 3,850 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी हैं, 1,434 टोड आर्टिलरी हैं, 3,180 MLRS रॉकेट आर्टिलरी हैं। चीनी नौसेना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, 3 हेलीकॉप्टर कैरियर्स हैं, 49 डिस्ट्रॉयर्स हैं, 42 फ्रिगेट हैं, 72 कॉर्वेट हैं, 61 पनडुब्बियां हैं, 150 पेट्रोल वेसल और 36 माइन वॉरफेयर हैं। इसके पास 400 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं। बात करें जीडीपी की, तो चीन आईजीडीपी 8.5 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू से भी ज्यादा की हो चुकी है। नंबर 1, एशिया का सबसे ताकतवर देश है रूस। रूस की सेना के पास 13 लाख से भी ज्यादा एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स मौजूद हैं। इसकी आर्मी में 13,000 से भी ज्यादा मेन बैटल टैंक्स हैं। साथ ही रूस की सेना के पास 1,500 से ज्यादा मल्टी रोल जेट्स मौजूद हैं। रशियन नेवी के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर और 14 डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं। वहीं इसके पास 12 फ्रिट्स हैं और 84 कॉर्वेट्स के साथ 65 सबमरीन भी मौजूद हैं। रशिया की करंट नॉमिनल जीडीपी 2 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू से ज्यादा की है। रशिया भी एक न्यूक्लियर पावर देश है जिनके पास दुनिया में सबसे ज्यादा 5,880 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। तो ये थे एशिया के 10 सबसे ताकतवर देश। आपको ये जानकारी हमारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।